हेलो एवरीवन, श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिका। आज मैं एक और नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आई हूं। आज का ब्लॉग है कुछ डिफरेंट, तो दिखाती हूं कि आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं और बड़े बड़े बहुत सालों से हैं। बारिश के टाइम बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। अभी जामुन का पेड़ तो ग्रीन है, बाकी बेर का बहुत वेराइटीज़ यहाँ मिलते हैं। ये बेर है, बहुत मीठा बेर है। थोड़ा बेर मैंने भी कलेक्ट किया है, इतने तो होंगे ही। इसके बाद मैंने और क्या किया आपको दिखाती हूँ। आपको लग रहा होगा यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, मैं नीम का फूल तोड़ने के लिए इतने पापड़ बेल रही हूँ, क्योंकि जल्दी नीम का पेड़ छोटा मिलता नहीं है। ये बहुत ऊंचा था तो इस वजह से चेयर डाल के मुझे तोड़ना पड़ रहा है। अब नीम का फूल क्यों लेके जा रही हूँ मैं, आप सोच रहे होंगे। मेरे गार्डन में नीम का पेड़ है पर बहुत छोटा है। ये कम से कम 7-8 साल से मेरे साथ घूम ही रहा है ट्रांसफ़र के वजह से। अमरावती, लखनऊ, दिल्ली, बहराइच और बांदा, अब जाके छोटे छोटे फूल आते हैं, तो मैं कभी कभी इन फूलों को भी यूज़ कर लेती हूँ। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से नीम का बाहर जाना नहीं हुआ, तो नीम का फूल इसी गार्डन का ही मैंने यूज़ किया था, पर अभी तो मिल गया है। अब देखिए इस फूल से हम क्या करने वाले हैं। अभी इन फूलों को हम छाट कर निकाल लेते हैं एक प्लेट में, उसे हम वॉश कर लेंगे। अब नीम का फूल क्यों यूज़ हो रहा है, अब आप देख सकते हैं। ये साउथ इंडियन एक फेस्टिवल होता है उगादी, या फिर महाराष्ट्र में होता है गुड़ी पड़वा, नॉर्थ में नवरात्रि में पूजा करते हैं दुर्गा माता का, बट हम लोग यहाँ पर न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं, आम का पूजा करते हैं। और आम और नीम सब मिलाकर हम कुछ चटनी, उगादि पचड़ी बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने गुड़ लिया, नीम का फूल लिया। अब इसमें हम इमली लेंगे। ये सब चीज़ें इस साल का नया फसल का ही यूज़ करते हैं। ये मैंने लाल मिर्च भी लिया है, ये सब नए हैं इस साल का, जो भी चीज़ है नया फसल का ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं। अब देखिए आप इमली देख सकते हैं, इसका भी मैं बीज निकाल के ही यूज़ कर रही हूँ। आंध्रा में होता है, विलेज एरिया में ये सब चीज़ें तुरंत मिलता है, फ्रेश रहता है, नया फसल का यूज़ करके ही बनाते हैं। अब यहाँ देखिए आम इतना छोटा है कि मैं छील ही नहीं पा रही हूँ, और वही साउथ में इतने बड़े बड़े आम हो गए, बढ़िया मज़ा आ रहा है खाने में। अब बड़े मेहनत से मुझे ये आम का छोटा सा कच्चा आम मिल गया है, तो उसी को कट करके यूज़ कर रही हूँ। ये सब डालने का कुछ महत्व है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। खट्टा, तीखा, नमक और कड़वा, तीखा, पांचों चीज़ों को यूज़ करके कहते हैं लाइफ से रिलेटेड है। अब हमने नमक डाल दिया है, अब इसे टेस्ट के अनुसार अब इनको हमें पीसना है। अब ये चटनी बनकर रेडी हो गया है। वैसे बहुत सारे लोग इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके और इमली का पल्प डाल के थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी बनाते हैं, नारियल ऐड करते, बट मैंने ऐसे ही बना लिया है भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब इसमें खट्टा चावल के लिए इमली का पल्प को मैं पका रही हूँ। खट्टा चावल आप लोगों को तो पता होगा साउथ का स्पेशल डिश होता है पुलिहोरा, इसके लिए मैंने राइस भी यहाँ रेडी कर लिया है। और पुलिहोरा वाला ट्रंत का व्लॉग में मैंने दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको देने वाली हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसको हम तड़का लगा रहे हैं राइस में, ये डिश भी अलग से वीडियो बना के मैं डालूँगी। और हर त्यौहार में ये डिश ज़रूर बनता है, ऑलमोस्ट सब पसंद करते हैं। मैं पहले नहीं पसंद करती थी खाना, बनाकर खिलाना मुझे अच्छा लगता है, पर इस साल मैंने सोचा कि मैं भी खा लूं। और इसके बाद इसमें जो जो मटेरियल्स लगे हैं, इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, वो सब मैंने ऐड कर दिया है। साउथ इंडियन डिशेस में ये स्पेशल डिश एक होता है, कम ऑयल वाला रहता है पर हेल्दी होता है, और ऑलमोस्ट सभी त्यौहार में हम बनाते हैं। अब ये डिश बनकर रेडी हो गया है।
खास आज के दिन बैलों की पूजा की जाती है। हल जोतकर आने के बाद हल का पूजा होता है, बैलों का और गाय का पूजा किया जाता है साउथ में। एक बार मैं ससुराल में भी ये पूजा की थी और यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं घर पे ही अपने तरीके से मैंने पूजा किया और भगवान को प्रसाद चढ़ाया है। जब मैं महाराष्ट्र में थी वहाँ पे भी मैंने देखा गुड़ी पड़वा बहुत अच्छे से मनाते हैं, गुड़ी बनाकर लगाया जाता है, अच्छा लगता है गुड़ी। बिलासपुर में मम्मी इसी तरीके से पूजा करती है तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। अब ससुराल जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से करते हैं। ये है उगादी का चटनी। नॉर्थ में जब ये चटनी खाने के दी सब डर रहे थे कि कड़वा रहेगा, बट खाने के बाद सबको पसंद आया। जब भी नीम का फूल आता है चटनी हम जरूर बना के खाते हैं। कच्चा आम तो हमें नहीं मिला लेकिन पक्का आम जरूर मिल गया है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि कच्चा आम मुझे अभी जरूरत था वो नहीं मिला है, छोटा सा मिला था बस। इवन आम का पेड़ में भी छोटे छोटे से ही लगे हैं और ये जो फल है शायद बाहर से आया है। श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स की तरफ से आप सभी को गुड़ी पड़वा एवं उगादी की हार्दिक शुभकामनाएं।